आईपीएल को पैसों का गेम क्यों कहा जाता है और आईपीएल को ड्रीम इलेवन ने 2020 के स्पॉन्सरशिप के लिए कितने पैसे दिए थे। भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस ने पहले सीजन कितने रुपए में खरीदा था और आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगा भारतीय और विदेशी खिलाड़ी कौन सा है, जानने के लिए बने रहिए वीडियो का अंत तक। फैक्ट नंबर वन, आईपीएल दुनिया का सबसे पॉपुलर गेम में से एक है, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले गेमों में इसका स्थान छठे नंबर पर है, जो कि सबसे पॉपुलर गेमों में से एक है। फैक्ट नंबर टू, आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर वीवो ने आईपीएल को करीब 2190 करोड़ रुपए दिए हैं, जो कि 5 सालों के लिए वीवो आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर रहेगा। फैक्ट नंबर थ्री, आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाला खिलाड़ी क्रिस गेल हैं, जो कि महज 30 गेंदों में 100 रन बनाए थे, वो भी पुणे वॉरियर्स के खिलाफ। गेल ने उस पारी के में 66 गेंदों में कुल 175 रन बनाए थे और क्रिस गेल के नाम सबसे ज़्यादा 6 शतक हैं आईपीएल में। फैक्ट नंबर फोर, आईपीएल में सबसे ज़्यादा रन बनाने के मामले में आरसीबी के कप्तान विराट कोहली हैं। उन्होंने 184 पारियों में 38 के आकर्षक औसत और 130.73 के स्ट्राइक रेट से 5878 रन बनाए हैं, जिसमें 5 शतक और 40 अर्धशतक शामिल हैं। फैक्ट नंबर फाइव, आईपीएल में चौकों छक्कों की बात करें तो फर्स्ट नंबर पे क्रिस गेल उनका नाम आता है, जो कि आईपीएल में कुल 352 छक्के मारे हैं, जिनमें उनका सबसे लंबा छक्का 119 मीटर का रहा है। और वहीं 4 रनों की बात करें तो शिखर धवन का नाम टॉप पे आता है, जिन्होंने आईपीएल में 620 चौकों के साथ नंबर एक पे बरकरार है। फैक्ट नंबर सिक्स, आईपीएल में गेंदबाजों की बात करें तो आईपीएल का सबसे सफल गेंदबाज लसित मलिंगा हैं, जो कि श्रीलंका के हैं। उन्होंने 122 मैचों में 7.14 की इकोनॉमी से 170 विकेट लिए हैं और ओवरऑल आईपीएल में एक सीजन में सबसे ज़्यादा विकेट लेने के मामले में वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर डेविन ब्रावो हैं, जो कि 2013 में कुल 32 विकेट लिए थे। फैक्ट नंबर सेवन, आईपीएल में सबसे ज़्यादा कैच पकड़ने वाले खिलाड़ी सुरेश रैना हैं, जिन्होंने अब तक कुल 95 कैच पकड़े हैं। वहीं दूसरे नंबर की बात करें तो मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा हैं, जिन्होंने 79 कैच के साथ दूसरे नंबर पर हैं। फैक्ट नंबर एट, आईपीएल में जो टीम विजेता बनती है उन्हें 20 करोड़ रुपए दिए जाते थे, लेकिन 2020 से कोरोना वायरस के चलते आईपीएल के विजेता टीम को 10 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। फैक्ट नंबर 9, आईपीएल में विकेट कीपरों की बात करें तो एमएस धोनी टॉप पे आते हैं, जो कि 208 मैच में 151 विकेट लिए हैं, जिसमें 112 कैच एवं 39 स्टंपिंग है। वहीं दूसरे स्थान पर केकेआर के दिनेश कार्तिक हैं, जिन्होंने 169 मैच में 124 विकेट लिए हैं, जिनमें 94 कैच एवं 30 स्टंपिंग है। फैक्ट नंबर 10, आईपीएल के दौरान बार बार चर्चा में लिए जाने वाले वर्ड अन अकेडमी, क्रेड ऐप और ड्रीम इलेवन ने स्पॉन्सरशिप के लिए आईपीएल को 130 करोड़ रुपए यानी करीब 43 करोड़ रुपए प्रत्येक सीजन के लिए देते हैं। उन्होंने 3 साल का स्पॉन्सरशिप ले रखा है। फैक्ट नंबर 11, आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी की बात करें तो नीलामी में सबसे महंगे बिकने वाले भारतीय खिलाड़ी युवराज सिंह हैं, जो कि 16 करोड़ रुपए में बिके थे। वहीं विदेशी खिलाड़ी की बात करें तो क्रिस मोरी सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी हैं, जिनको राजस्थान रॉयल्स ने 2021 में 16.25 करोड़ रुपए देकर खरीदा है, जो कि अभी तक के आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। # बोनस फैक्ट, टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने आईपीएल में पहली बार बोली 2014 में लगी थी। 10 लाख की बेस प्राइज वाले हार्दिक पांड्या को किसी भी फ्रेंचाइजी ने नहीं खरीदा। अगले साल 2015 में हार्दिक पांड्या की किस्मत खुली और मुंबई इंडियंस ने उन्हें 10 लाख की बेस प्राइज में खरीद लिया और आज आप देख सकते हैं कि वो कितना खतरनाक खिलाड़ी हो गए हैं। अभी आईपीएल में मुंबई इंडियंस ने उन्हें एक सीजन के लिए 11 करोड़ रुपए देती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।